नमस्कार दोस्तों, आपको तो पता ही है आज है प्लेऑफ का पहला मैच जहां पे मुंबई इंडियंस वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स होने वाला है और जो भी टीम जीतेगी वो जाएगी सीधा फाइनल में। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स कितनी बार प्लेऑफ में पहुंच चुके हैं। चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं शुरू। दोस्तों शुरुआत करते हैं मुंबई इंडियंस से। यहाँ पे 2010 में वो रनर अप रह चुकी है और 2011 में प्लेऑफ में पहुंची थी, 2012 में भी प्लेऑफ में पहुंच चुकी है। यहीं बात कर लीजिए 2013 की, तो वहाँ पे चैंपियन बनी थी और प्लेऑफ में तो पहुंची ही होगी ना। 2014 में भी प्लेऑफ में पहुंची थी लेकिन चैंपियन नहीं बन पाई। 2015 में भी चैंपियन बनी, 2017 में भी चैंपियन बनी और 2019 में भी चैंपियन बनी, और हर बार प्लेऑफ में पहुंच के ही चैंपियन बना जाता है दोस्तों। अब बात करी जाए दिल्ली कैपिटल्स की, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं, पहले ये डेक्कन चार्जर्स के नाम से थी लेकिन हम दिल्ली कैपिटल्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे 2008 में सेमीफाइनल में पहुँच चुकी है, यहाँ पे 2009 में सेमीफाइनल में पहुँच चुकी है क्योंकि पहले प्लेऑफ नहीं हुआ करते थे, तो उसे हम एक प्लेऑफ की तरह ही देखते हैं, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं 2012 में प्लेऑफ में पहुँची थी और 2019 में भी प्लेऑफ में पहुँच चुकी है, लेकिन दुख की बात यहाँ पर यह है कि अभी तक दिल्ली कैपिटल्स ने एक भी बार फाइनल नहीं खेला है। दोस्तों अगर मैं बात करूं 2020 में, तो मुंबई इंडियंस का सीज़न बहुत ही अच्छा रहा। इन्होंने 14 मैच खेले हैं और 9 जीते हैं और 5 हारे हैं। वहीं पे दिल्ली कैपिटल्स की बात करी जाए तो इन्होंने भी 14 मैच खेले हैं जिसमें से 8 जीते हैं और 6 हारे हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पर वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।